हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीएस पेपर वन, जो कि पॉइंट नंबर 7 है। यूपीएससी मेंस की हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा था वो था गरीबी और विकासात्मक विषय। इसका मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। गरीबी है तो बहुत छोटा सा टॉपिक देखने में, लेकिन इसके अंदर इतना वास्ट चीज़ें हैं कि एग्जामिनर कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो हम लोग ऐसे इसकी प्रिपरेशन करें कि एक भी पॉइंट्स इसमें मिस ना हो और हम लोग एग्ज़ाम में एक एक डाटा लिख कर आएँ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो जो मैं पॉइंट्स करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं देखना। आपको क्वालिटी देखनी है कि क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है साथ के साथ। हमारे चैनल पे बहुत सी चीज़ें सीरीज चलाई जा रही हैं, जैसे कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4, हिस्ट्री, वन लाइनर जीके, करंट अफेयर्स, प्लस हम लोग अब हिंदी की भी जो आरओ मेंस लोगों ने क्रैक किया है, एस्पिरेंट्स ने, उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी कमेंट्स के थ्रू मैंने हिंदी सब्जेक्ट लाने का सोचा है। तो हिंदी भी हम जल्द ही इस पर शुरू करेंगे। आप लोगों को वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको मेंस के साथ साथ प्री प्लस आरओ मेंस सबकी तैयारी साथ में कराई जाएगी। बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ जैसे ही ये पार्ट पूरा होता है मैं अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और भी आपको हमारे जो भी सीरीज़ की वीडियोस देखनी है सबकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के तौर पर डाल रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज आगे करते हैं इसका पार्ट 3, गरीबी और विकासात्मक विषय। इसमें हम लोगों ने परिभाषा, कारण, भारत के संदर्भ में गरीबी, प्रकार और प्रभाव कर लिए हैं दो टॉप। अब आज हम करेंगे गरीबी की माप और सुझाव। सरकारी योजनाएं हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं जो सरकार ने बनाई हैं। बहुत लेंदी है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसको एक अकेले के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, सिर्फ योजनाओं के नाम नहीं देंगे, उसको अंदर उसकी क्या है एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो इसलिए मैं इसे लास्ट वीडियो में बताऊँगी। आज हम देख लेते हैं भारत में गरीबी की माप कैसे होती है और सुझाव। एक बार रिकैप देख लेते हैं। अर्थ और परिभाषा हमने किया था, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, नेक्स्ट हमने देखा था इसमें कारण क्या है गरीबी के, बहुत सारे कारण थे। इसके बाद हमने भारत के संदर्भ में गरीबी देखी थी, बहुत सारा डाटा देखा था इसमें जो हमने अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठे किए थे। इसके बाद हमने देखे थे गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में समझा था। नेक्स्ट हमने देखा था गरीबी का प्रभाव क्या होता है, जनसंख्या पे गरीबी का क्या असर पड़ता है। आज देखिए मैं आपके सामने एक डेटा लेकर आई हूँ, पॉवर्टी रेट्स इन इंडिया 2012। ये विकिपीडिया से ली हुई है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी इसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मैं ये इंडिया का मैप है, आप लोग इसमें देख रहे होंगे पॉवर्टी जो एवरेज है इंडिया की 22% है। 22% लोग पॉवर्टी मतलब कि गरीब हैं इंडिया में। 2012 का डाटा है यहाँ पे। वर्ल्ड में 18% लोग हैं, इंडिया में 12% लोग हैं। अगर हम मिलियंस में बात करें तो 270 मिलियंस इंडिया में गरीब लोग हैं, और वहीं वर्ल्ड में 1260 मिलियन गरीब लोग हैं। यहाँ पर जो आपको ये डाटा शो हो रहा है, ये जो ज़्यादा डार्केश एरिया है वहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग हैं पॉपुलेशन में। मतलब कि ये देखिए डार्क एरिया ये हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा यूपी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया में है यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ भी गरीब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारा हिस्सा गरीबों का है इंडिया में। आप यहाँ पर देख के इसे डाटा अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एग्ज़ाम में इसके थ्रू आप मैप के थ्रू बता भी सकते हैं कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी पाई जाती है इंडिया के अंदर। ये आप यहाँ पर अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ शो कर सकते हैं मैप के थ्रू। एग्ज़ाम में अगर ये मैप बनाएंगे और इस हिसाब से शो करेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है,
ये इस वेबसाइट पे आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सोर्स का नाम दे दिया है यहाँ पे इस वेबसाइट पे, और भी इसमें बहुत सारे डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट इंडिया के कॉन्टेस्ट में था वो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है यहाँ पर 27 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। यहीं पर अब यहाँ देखिए कि 5 जो इंडियन है उसमें से 1 इंडियन गरीब है, मतलब 5 लोगों को अगर देखेंगे तो उसमें से 1 आदमी गरीब निकलेगा इंडिया में। इतनी बुरी स्थिति है इंडिया की गरीबी के मामले में। नेक्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ पुअर इन लो इनकम स्टेट मिलियंस में बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए 60 मिलियन उत्तर प्रदेश में, 36 मिलियन बिहार में, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश में 24 मिलियन, ये भी 2012 का ही डेटा दिया गया। ऐसे ही दिया गया झारखंड में 13 मिलियंस, उड़ीसा में 14 मिलियंस अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ये यहाँ पर ये बताया गया है लो इनकम पुअर्स की सबसे कम यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में 10 मिलियन और राजस्थान में भी 10 मिलियन। तो ये वर्ल्ड बैंक का हमें डेटा दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि 80% जो लोग हैं गरीब हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब कि वो गांव में निवास करते हैं जो 80% गरीब हैं। यहाँ पर जैसे कि 20% जो बचे हुए हैं फिर वो शहरों में निवास करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डाटा देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आगे चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि और भी बहुत सारे इसमें आंकड़े दिए हुए हैं गरीबी से संबंधित। तो जो मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट लगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में गरीबी की माप के बारे में, अब जानते हैं हम लोग। तो आप लोग ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सर्वप्रथम जो निर्धनता का अध्ययन है वो 1870 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1870 में किया था। उन्होंने जीवन के निर्वाह लागत सिद्धांत का प्रयोग किया था गरीबी के या निर्धनता के निर्धारण में, मतलब कि लोग कितना खर्च करते हैं या कितना व्यय करते हैं उसके आधार पे उन्होंने गरीबी का निर्धारण किया था, जो कि आज भी होता है इंडिया में गरीबी की माप के लिए। नेक्स्ट आज़ादी के बाद सबसे पहले जो किया था वो किया था डीएस मिन्हास ने, गरीबी का अध्ययन किया था आज़ादी के बाद ही, आज़ादी के पहले था दादा भाई नौरोजी ने, और भी लोगों ने किया था गरीबी का अध्ययन लेकिन मेन जो नाम आता है वो दादा भाई नौरोजी का ही आता है इसमें। ये जो डीएस मिन्हास ने किया था इन्होंने स्वतंत्रता के बाद किया था और इन्होंने ग्रामीणों कि निर्धनता के प्रतिशत में कमी का संकेत दिया था। इन्होंने बताया था कि ग्रामीणों की निर्धनता में कमी आ रही है। ये 1956 से यहाँ पर 57 आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर टाइपिंग एरर आ गया, इस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर 7 आ जाएगा 6 की जगह, और ये 67 से 68 के बीच इन्होंने ये टाइम पीरियड बताया था कि इसके बीच में गरीबी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रही है, वहाँ कमी आ रही है। ऐसे ही पीडी ओझा ने, प्रणव वर्धन ने ग्रामीण निर्धनता के अनुपात में वृद्धि पर अध्ययन किया था। इन्होंने अध्ययन किया था कि ग्रामीण जो है उनके निर्धनता में वृद्धि हो रही है। तो अलग अलग जो कि इकोनॉमिक्स थे उनकी अलग अलग आंकड़े थे, अलग अलग डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऐसे ही नीलकांत दांडेकर और पीएम रथ ने ग्रामीण व नगरीय स्तर का अध्ययन किया, और इन्होंने किया था 1960-61 और 1967-68 के बीच में, ये यहाँ पर इन्होंने टाइम पीरियड था इनका। तो नीलकंठ दांडेकर और पीएम रथ का टाइम पीरियड था 60-61 और 67-68 के बीच में। ये हमने इसकी हिस्ट्री की बात की कि कैसे कैसे इसका माप की गई थी इन हिस्ट्री। अब हम इस समय की बात करते हैं कि गरीबी की माप कैसे की जाती है। ये जो मैंने टॉपिक यहाँ ये पॉइंट्स दिए हैं ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, ये एनसीईआरटी से लिया गया टॉपिक है। भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है उसको करते समय खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, खाद्य आवश्यकता के साथ साथ जो भी हमारी जीवनमर्रा की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कपड़ों पे, जूतों पे, ईंधन और प्रकाश, खाना जिस पे बनाया जाएगा, रोशनी पे, शैक्षिक चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। तो जब भी भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी तरह इनकी जो भी मैंने जीवनमर्रा की आवश्यकताओं के बारे में बताया, इनकी भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें ये यूज़ में लाई जाती हैं उनकी
उनकी जो मात्राएं हैं, जैसे कि जितनी चीज यूज में लाई गई उसका रुपए में कितना मूल्य है, उस मूल्य को उस गुणा कर दिया जाता है। इससे निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है और इसको जो आकलन करते समय कैलोरी की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहले भी इसमें मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पर ध्यान दिया जाता है इसमें। तो यही चीज़ है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय, गरीबी की माप करते समय कैलोरीज की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। अब इसी में ही आगे मैं बात करती हूँ कि पहले भी ये डाटा शो किया गया आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग प्रतिदिन 32 रुपये खर्च करते हैं और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन जो लोग 46 रुपये खर्च करते हैं, उनको गरीब श्रेणी के उनसे नीचे खर्च करने वालों को, मतलब कि ये लिमिट बनाई गई है कि 32 रुपये और 46 रुपये, अगर इनसे नीचे कोई खर्च करता है तो उन्हें गरीबों की श्रेणी में रखा जाता है, उनकी ही माप गरीबों की श्रेणी में की जाती है। आगे हम बात करते हैं सुझाव, गरीबी नियंत्रण के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो कारण होते हैं, कारण को अगर हम पॉजिटिव वे में लिख दें तो उसी को सुझाव कहा जाता है। जैसे कि बेरोजगारी कारण है हमारी गरीबी का, तो उसी को रोजगार सृजन में बढ़ावा देना अगर हम कर दें तो वो हमारे सुझाव हो जाते हैं। तो इतना थोड़ा सा हमें पॉइंट्स आने चाहिए बनाने कि हम एग्ज़ाम में लिख सकें। एट ए टाइम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हमें पुट करना है, कैसे हमें उसे एडिट करने हैं, वो आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ सुझाव बता देती हूँ, यहाँ मैंने 6 सुझाव बताए हैं। आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट बॉक्स में 1-8 सुझाव अपनी तरफ से बताइए कि और क्या लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ सुझावों की। सबसे पहला सुझाव हम देंगे रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। जितने ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा उतनी ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो फिर गरीबी कम होना ऑब्वियस है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि जैसे कि 115 मिलियन नए गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार जोड़ने होंगे, मतलब कि अगर हमें गरीबी कम करनी है तो ये 2010 से 2020 के बीच इतना काम करना होगा, 115 मिलियन नए रोजगार जोड़ने होंगे। और इसी प्रयास में श्रम गहन सेवाओं के अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र को केंद्र में रखना होगा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर रोजगार ज़्यादा सृजित करना होगा। व्यवसायिक गतिविधियों और आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजना को भी यहाँ पे बढ़ावा देना जरूरी है। बाजार को लचीला तथा बाजार को विकृतियों से दूर करना होगा, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना होगा कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा लचीला हमें स्वरूप रखना होगा रोजगार का, ताकि आम लोग भी वहाँ जाके अपनी रोजगार प्राप्त कर सके और क्रय शक्ति को अपनी बढ़ा सके, गरीबी को नियंत्रण में ला सके। नेक्स्ट इसमें सुझाव देंगे हम जनसंख्या नियंत्रण का। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का एक मेन रीज़न होता है, ये आप लोगों को भी पता है। गरीबी के दुष्चक्र का निर्माण जनसंख्या ही करती है तथा गरीब परिवार, जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीब परिवार उतने ही गरीबी के दलदल में फंसते जाएंगे। इसके लिए परिवार नियंत्रण जागरूकता के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी गरीबी निवारण का कार्यक्रम आवश्यक करना चाहिए। तो फिर परिवार नियंत्रण और जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण की भावना जागरूक करनी चाहिए। नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। कृषि विकास दर को 4-5% करने के लिए कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करना ज़्यादा जरूरी है, जो कि बाजार पहुंच को, जो कि कृषि उत्पादकता हो बाजार तक पहुंच सके, उसमें सुगमता प्राप्त हो और सुधार हो उसमें। जैसे कि कोई भी कृषि में उत्पादकता तो होती है लेकिन वो बाजार तक नहीं पहुंच पाता या भंडारण गृह तक नहीं पहुंच पाता तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टेज हो जाती है। तो ऐसा कोई काम ना हो जिससे कृषि उत्पादकता में वेस्टेज हो और अनाज जो है पड़ा पड़ा सड़ता रहे। समर्थन मूल्य को भी, जो भी सरकार समर्थन मूल्य लागू करती है उसको तार्किकता से लागू करना होगा और तकनीकी क्षेत्र में इसका विकास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जो हम लोग समर्थन मूल्य लागू करते हैं उस पे उसको अधिक से अधिक अच्छे तरीके से बढ़ावा मिल सके, उसको अच्छे से इम्प्लाई कर किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुनियादी सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च करना। जैसे बुनियादी सेवाएं क्या होती हैं, जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब बुनियादी सेवाएं होती हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की आवश्यकता होनी चाहिए।
आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना चाहिए जिससे आसानी से प्राप्त किया जा सके और गरीबी इससे बहुत हद तक कम की जा सकती है। आधारभूत सुविधाओं को ज्यादा प्रभावी बनाना। सरकार द्वारा जो भी गरीबों से जुड़े बुनियादी सेवाओं पर किए जाने में खर्च होते हैं उनके बहुत ज़्यादा उत्साहजनक मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, परिणाम नहीं निकलते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बना दी हम सेवाएं, सरकार ने दे दिया पैसा कि कैसे खर्च करें, इस चीज़ पे ये चीज़ें खर्च करें, लेकिन जो खर्च करता है, जो मतलब पूरी प्लानिंग करता है फिर उसको करता है, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वहाँ पर वो चीज़ें जिनको ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसके कार्य संचालन को आसान और निगरानी इस पर रखनी चाहिए और इसको इसमें तकनीकी प्रयोगों का ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि सरकार ने जो खाता जनधन योजना चलाई है तो इसमें अकाउंट में ही पैसा आएगा, तो इससे ना निगरानी रखी जा सकती है कि आपका पैसा आपके ही अकाउंट में आए सुविधाजनक तौर पर। मनरेगा में भी पैसा अकाउंट में आएगा तो ये धांधली नहीं होती, बीच में भ्रष्टाचार में कमी होती है इससे, तो इससे भी गरीबी नियंत्रण काफ़ी हद तक किया जा सकता है। नेक्स्ट है असमानताओं का समापन। इसमें क्या होता है कि मैंने पहले ही आपको बताया था रीज़न में कि समाज में पैसों में असमानता है, मतलब कि भारत में 10% लोगों के पास जितनी यहाँ पर आय है उसका 35% 10% लोगों के पास ही है, मतलब कि 65% जो बचा वो पूरे 90% लोगों के पास है। तो आप देखिए आय में कितनी ज़्यादा असमानता है, तो इसको भी सरकार को एज वेल एज जनता को भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में आय में असमानता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार को ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने चाहिए ताकि हर एक पद पर काम करने वाले लोगों को एक ही सैलरी मिल सके। सेम टू सेम जेंट्स और लेडीज़ के काम में भी फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। तो ये हमारे कुछ सुझाव हुए आज के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमने पढ़ा कि भारत में गरीबी की माप कैसे होती है, कुछ डेटा हमने देखे कि क्या क्या कैसे कैसे इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है गरीबी का वो है, और हमने कुछ सुझाव देखे कि ये सुझाव हम अपनाकर गरीबी को भारत में कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, मुझे पता तो चले कि मेरी लेक्चर में क्या कमी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।